दोस्तों दी मार्वल, जिसे आप कैप्टन मार्वल 2 भी बोल सकते हैं, उसका टीजर ट्रेलर आ चुका है, जो कि सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग था। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस मूवी की मेकिंग एंड देन उसके पोस्ट प्रोडक्शंस की बात, क्योंकि ये फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी जून 2022 में, फिर उसे डिले करके कर दिया गया नवंबर 2022, देन वो जून 2023 में, एंड देन अभी वो रिलीज होने जा रही है नवंबर 2023। अब आप ही लोग सोच के देखो, जिस फिल्म को चार चार बार डिले किया गया हो उसके पीछे कितने सारे रीजंस हो सकते हैं। और इन्हीं सारे कारणों का हमें एक रिजल्ट देखने को मिला, जहां ये पिक्चर पहले रिलीज होने वाली थी कैप्टन मार्वल 2 के नाम से, बट अब उसे नाम चेंज करके कर दिया गया है दी मार्वल। तो हाँ गाइस, लगता है स्टूडियो के अंदर कंट्रोवर्सी चल रही है आपस में ही बहुत ही ज्यादा भयंकर। बट अब अगर बात करें टीजर की, तो हाँ ये नाइस एंड डिसेंट था और थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग भी। लेकिन मार्वल का जो पिछले कुछ समय से हाल है वो बहुत ही ज्यादा बेहाल है। जो मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, मजे के लिए बनती है, वो बुरी पिट जाती है। इसीलिए अब हमें मार्वल की मूवीज में वही पुराना वाला इमोशन चाहिए जो फैंस के दिलों के साथ कनेक्ट कर जाती थी और जो मजा दिलाती थी ओरिजिनल में। और अब अगर एंटरटेनमेंट की बात हो ही रही है, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं इस टीजर में हमें जो कमाला खान का कैरेक्टर दिखाया गया है, यानी कि मिस मार्वल, उनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा एंटरटेनर है। तो हाँ, अगर इस पिक्चर में मैंने किसी से उम्मीद रखी है मजे की, तो वो इसी लड़की से है। देन इस टीजर को देख के इस मूवी की स्टोरी भी थोड़ी बहुत प्रिडिक्ट हो जाती है, जहाँ हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो, इन तीनों की ही पावर बहुत ही ज्यादा सिमिलर है और एक ही सोर्स से आती है। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि इनकी पावर्स के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण इन तीनों हीरोइन में से जो भी कोई अपनी पावर्स को यूज करता है, उसकी वजह से इन तीनों की बॉडी टेलीपोर्ट हो जाती है और एक दूसरे के साथ स्विच हो जाती है। और मुझे लगता है इसकी स्टोरी अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा बेसिक होने वाली है, जहाँ ये तीनों अपनी प्रॉब्लम को खोजेंगे कि आखिर क्यों इनके साथ, इनके पावर्स के साथ ऐसा हो रहा है, एंड देन उसे सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पिक्चर में हमें न्यू फ्यूरी भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर थोड़ी बहुत सीरियस हो सकती है, लेकिन मैं तो कुछ खास होप नहीं रखने वाला। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो दी मार्वल्स मूवी के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए नाती गेम्स। धन्यवाद दोस्तों। नाती, 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 नाती,